मंत्री अमरजीत के बयान पर भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूलत ने पलटवार किया है। कहा कि कृषि सेस को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अलग से कोई भार नहीं है, पूरे देश के राज्यों में कृषि सेस लगा है। हर चीज का ठीकरा केंद्र पर फोड़ना क्या यह न्यायोचित है? डोरी पॉलिसी अपनाकर छत्तीसगढ़ सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। मंडी टैक्स पहले राज्य में 50 पैसे था, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 2 रुपए किया, अब किसानों के हित की बात कर रही है। मौसम खराब व धान की व्यवस्था को लेकर राजेश मूलत बोले कि सरकार को धान के रखरखाव की व्यवस्था करनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार के समय में मिलिंग का काम धान खरीदी तत्काल बाद होनी शुरू हो गई थी। पूर्व का 28 लाख मीट्रिक टन धान सड़ चुका है, जिसे अब कोई नहीं खरीदेगा। अब जो धान खरीदी हुई वो सोसाइटी में है, जिसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मंत्री अमरजीत भगत के सत्यनारायण कथा वाले बयान पर भी राजेश मूलत ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, इतने बड़े गायक को बुलाया तो भीड़ तो होगी ही। मंत्री जी का ऐसा बयान है तो वे किस संस्कृति की तुलना छत्तीसगढ़ से करना चाहते हैं? वहां पिकनिक नहीं मनाई जा रही थी, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस आयोजन को कराया गया। इस तरह के बेतुकी बयान देकर मंत्री जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा है और छत्तीसगढ़ की सरकार का ये तर्क है कि कृषि सेस जो लगाया गया है उससे राजस्व में 1000 करोड़ का नुकसान होगा, उसे हटाया जाना चाहिए। देखिए, कृषि टैक्स को लेकर के कुछ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए स्पेशल अलग से कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये पूरे देश के परिदृश्य पे लगाया गया है। राज्य सरकार अपना आकलन कर रही है, लेकिन किन किन चीजों में टैक्स लगा है। जब छत्तीसगढ़ सरकार पूरे देश के अंदर सरकारें मंडी टैक्स खत्म कर रही है, तब छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी ने 50 पैसा मंडी टैक्स कर दिया था। आज भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस छत्तीसगढ़ के अंदर मंडी टैक्स 2 रुपए कर दिया। तो ये दोहरी पॉलिसी जो चल रही है सरकार, इस पर आम जनता को राहत देने के लिए अगर टैक्स प्रणाली में सरलीकरण किया गया तो उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को भी मिलना चाहिए। हर चीज का ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना, ये क्या न्यायोचित है? जब आप 50 पैसा टैक्स मंडी शुल्क था पहले, उसको आपने 2 रुपए किया, तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं छत्तीसगढ़ सरकार का। इसलिए दोहरी पॉलिसी करके छत्तीसगढ़ सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम कर रही है। सरकार को स्वयं अपने टैक्स प्रणाली को ठीक करना चाहिए, ये चिंतन जो है छत्तीसगढ़ सरकार का। मौसम खराब हुआ, फिर एक बार करोड़ों का धान। स्वाभाविक रूप से मौसम में परिवर्तन आया है और इसके पहले भी आ चुका है। सरकार को कैप की व्यवस्था करके सुनिश्चित रखना चाहिए। इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारें धान को लेकर के गंभीर थी, मिलिंग का काम जिस समय से धान खरीदी होती थी उसके बाद में तत्काल सोसाइटियों से माल उठना प्रारंभ हो जाता था, मिलिंग होना प्रारंभ हो जाता था। अभी जो पूर्व का धान है, 28 लाख मीट्रिक टन धान जो हमने पिछली बार भी कहा था, वो सड़ चुका है, उसको मिलिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी वर्तमान जो धान खरीदी हुई है वो सोसाइटियों में रखा हुआ है, उसके ऊपर कैप नहीं रखा हुआ है। अब मौसम तो हर समय कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम करना राज्य सरकार का कर्तव्य है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये खाद्य मंत्री का एक बयान आया है मैन पार्ट को लेकर के, कि वहां शराबखोरी जो हो रही थी वो सत्यनारायण की कथा सुनने लोग मैन पार्ट नहीं जाते। मेरे को उनकी बुद्धि पे तरस आता है। मैन पार्ट हर साल उत्सव होता है, उत्सव की तैयारी सांस्कृतिक विभाग करता है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लोकल प्रशासन की होती है। इतने बड़े गायक को अगर बुलाया तो स्वाभाविक रूप से पब्लिक आएगी, तो इसकी पूर्व तैयारी की जिम्मेदारी लोकल प्रशासन की होती है। लेकिन मंत्री जी का बयान कि संस्कृति को उदय करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में, ये आत्मचिंतन का विषय है। मेन पार्ट की एक तुलना
उन्होंने पटाया से लेके कहां कहां से कर दी, गोवा से लेके कर दी। आदमी रिलैक्स होने जाता है, लेकिन वहां जो कार्यक्रम था कोई ठहरने गया, कहीं पिकनिक पे गया, वो विषय अलग था। वहां ना पिकनिक थी ना कुछ था, वहां छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उत्सव का आयोजन था, और उत्सव में गड़बड़ी हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है, लोकल प्रशासन की बनती है। ये बेतुकी बयान दे करके अपनी जिम्मेदारी से बचने का काम ना करें। ठीक। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज़।